मुझे बताओ फसल बीमा योजना का कितना पैसा आता है हिंदुस्तान की सरकार से, बताओ। आपको यह सब आंकड़े मालूम होने चाहिए भाइयों बहनों, फसल बीमा योजना का कितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार भेजती है, कितना पैसा स्टेट की सरकार डालती है, बताओ। 35,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिया जाता है। किसका पैसा है? 88% का जीएसटी से आता है, राइट। अब मुझे बताओ, अभी ठहर जाओ, 16 कंपनियां हैं, नाम दे दूंगा आपको, 16 कंपनियों को 35,000 करोड़ रुपए मिलता है। 16 कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली, मालिकों में आपका एक भी नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में आपका एक नहीं। आंधी आती है, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, कंपनी वाले कहते हैं भैया आप जानो आपका काम जाने, हम आपको बीमा का पैसा नहीं देंगे, होता है ना। तो पैसा आपका 88% का जीएसटी से आया, गया 16 कंपनियों के हाथ में, वहां आपका एक आदमी नहीं, और जो पैसा आपके लिए भेजा था, बीमा योजना के लिए भेजा था, जब आपको जरूरत पड़ती है आपसे कहते भैया तुम कटो यहां से, परे हो जाओ, तो आप बड़ी कंपनियों में नहीं। मुझे बताओ प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आपके कितने, प्राइवेट अस्पताल का चलता कैसे है, चलता कैसे, किसके पैसे से चलता है? 88% से चलता है। जमीन दी जाती है, किसकी जमीन दी जाती है? 88% की। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि अदानी जी की जमीन अक्वायर कर दी गई? क्यों नहीं? हर रोज आदिवासियों के पास जाओ, कहते भाई हमारी जमीन ले ली, दलितों के पास जाओ हमारी जमीन ले ली, ओबीसी के पास जाओ हमारी जमीन ले ली, मगर अदानी की जमीन कभी अक्वायर नहीं होती, कभी नहीं। वो सबके अक्वायर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा, उसकी कोई नहीं अक्वायर करता। उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसकी एक इंच जमीन नहीं अक्वायर हो सकती, और 88% की, 88% की 24 घंटा अक्वायर हो रही है। वेदांता ने दिया, सबने दिया भैया। आप मोदी जी को समझो, मोदी जी का काम, मोदी जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं, सबसे पहले ओबीसी नहीं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के व्यक्ति थे। गुजरात में बीजेपी ने कानून बदला और उनकी जात को ओबीसी बनाया, मगर सवाल यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं या नहीं, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 88% के लिए क्या किया। ये तो अब ना आप मीडिया में, ना प्राइवेट अस्पताल आपके हाथ में, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, बता दो मुझे, बता दो ये बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल कंपनीज हैं, कॉलेज चलाने वाली कंपनी है, बता दो इसमें इनके मालिकों में बता दो पिछड़ा कौन, ओबीसी कौन, दलित कौन, आदिवासी कौन, बता दो, नाम बता दो, एक नहीं। तो आप इधर उधर देख रहे हो, इसके बारे में कुछ कभी करोगे नहीं करोगे? मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे 24 घंटा चोरी हो रही है और आप सिर हिला रहे हो, यूं कर रहे हो, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सिर हिलाते जा रहे हो, इससे क्या हो रहा है तुम्हारा? कुछ हो रहा है? ये देखो, ये सवाल उससे भी गहरा है, ये सवाल उससे भी गहरा सवाल है। मैं फालतू सवाल नहीं करता हूं, यह सवाल है कि हिंदुस्तान की 88% आबादी को इस देश में कोई भागीदारी क्यों नहीं है, यह सवाल है। आप
हाई कोर्ट देखो, 650 हाई कोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में, सारे के सारे जो केसेस होते हैं न्याय ये लोग देते हैं, राइट? 10 साल लग जाते हैं आपके, 20 साल लग जाते हैं आपके, लोग मर जाते हैं, केस चलता रहता है। 650 में से 88% के कितने? 100, और वो भी 100 छोटे छोटे केस करते हैं, 3% के हाथ में जुडिशरी, पैसा, कॉरपोरेट, मीडिया, ईवीएम, सब हाथ में। और आपसे कहते हैं, आपसे कहते हैं भाई और बहनों, नहीं, आपसे कहते हैं आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ, आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ, नहीं। और आप क्या करते हो? आप कहते हो हां जी, हाथ जोड़ते हो और कहते भैया ठीक है, आप सब उठा के ले जाओ, हम यहां पे मतलब हाथ जोड़ के प्रभु के गुण गा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। हंसी आ रही है आपको? नुकसान तो आपका हो रहा है। हाँ, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना चाहिए। अब आप मुझे कहोगे, देखो राहुल जी, आपने हमें मीडिया का बता दिया, आपने हमें सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स का बता दिया, मगर सरकार में तो हमारे लोग हैं, सरकार में तो हमारी भागीदारी है, हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री है। तो मैं आपको सरकार का बताता हूं, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए नहीं चलाते, एमपी नहीं चलाते, हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। मैंने देखा है, मैंने अंदर से देखा है, मैंने सिस्टम को बिल्कुल अंदर से बैठ के देखा है, इसलिए बीजेपी वाले इतनी नफरत करते हैं मुझे, मैं सब समझता हूं इसके बारे में, सिस्टम के बारे में। तो 90 लोग चलाते हैं, मनरेगा योजना बनती है, कांग्रेस पार्टी कहती है मनरेगा बनेगी,